सज्जाद निजामी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, घंटे वाले आइकन को दबाना ना भूलें हर रोज नई वीडियोस देखने के लिए। शुक्रिया। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, पहली मरतबा आपके दयार में आया हूँ। हजरत की नजर इनायत हो गई और हजरत ने मुझे यहाँ बुला दिया। मेरा नजरात अहले सुन्नत, ये हजरत ने क्या बुलाया? इमाम हुसैन ने इनसे कहा होगा कि एक मरतबा उस दीवाने को भी बुलाकर देख ले। तो फिर उधर से जब इशारा मिला तो इधर से जो है तो इन्होंने बुला लिया। हजरत अहले सुन्नत, मैं आया हूँ पहली मरतबा, मुझे नहीं मालूम आप क्या सुनना पसंद करते हैं, मुझे नहीं मालूम आपका मिजाज किस तरह का है, मुझे नहीं मालूम मुझसे पहले जो और उलमा आए हैं उन्होंने किस अंदाज की तकरीरें की है, लेकिन हजरत अहले सुन्नत बस आया हूँ इस नीयत से कि सरकार इमाम हुसैन का जलसा है। कोई कुछ भी कहकर के गया हो अशफाक अहमद रजा, तो वो कहता चला जाना जो तेरा इमाम तुझे करबल से अता फरमाता चला, बस करबल से मिलता जाएगा इंशाल्लाह तबारक व तआला देता चला जाऊंगा। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, आज हम सब इमाम हुसैन के जलसों को सजा रहे गए। हजरत यहीं पर नहीं बल्कि आप पूरे हिंदुस्तान को देखें तो हिंदुस्तान के हर गली हर शहर हर मोहल्ले के अंदर मेरे इमाम का जश्न मनाया जा रहा है। कोई 10 दिनों तक जश्न मनाता है, कोई 1 दिन जश्न मना रहा है, कोई 5 दिन जश्न मना रहा है, कोई जो है तो जिंदगी भर जश्न मना रहा है, कोई साल भर जश्न मना रहा है। सब अपने अपने अंदाज में जश्न मना रहे। जैसे ही मुहर्रम का महीना शुरू हुआ और शुरू होते ही जश्न का माहौल बन जाता है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, अर्ज करना चाहूंगा कि क्यों मना रहे हो? तो शायर कहता है कि दुनिया हुसैन की है, जमाना हुसैन का, दुनिया हुसैन की है, जमाना हुसैन का, नबियों का ताजदार है नाना हुसैन का, बस एक पल कीजिए यजीद की हुकूमत, अरे सदियां हुसैन की है, जमाना हुसैन का। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, ये कायनात का सर्व जर्रा इमाम हुसैन के नाम पाक से मंसूब कर दिया जाए तो भी कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि मेरे इमाम के ताल्लुक से मेरे आका सरवर कायनात ने फरमाया है, और क्या खूब फरमाया है मेरे मुस्तफा ने, फरमाते हैं हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। अल्लाह अकबर, जो हुसैन हुजूर से हो और जिससे हुजूर अपने आप को मंसूब कर ले। हजरत अहले सुन्नत, तो फिर मैं अर्ज करना चाहूंगा कि कायनात का सर्रा जर्रा तो मुस्तफा से है। हजरत, ये चांद जो चमक रहा है मुस्तफा के सदमे में चमक रहा है, ये सूरज जो रोशनी दे रहा है हुजूर के सदमे में रोशनी दे रहा है, हजरत ये सितारे जो जगमगा रहेगा मेरे मुस्तफा के सदमे में जगमगा रहेगा, आसमान का शामियाना नजर आ रहा है मेरे हुजूर का सदका नजर आ रहा है, जमीन का फर्श बिछा हुआ है मेरे हुजूर का सदका नजर आ रहा है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, अर्ज करना चाहूंगा समंदरों का ठहराव मेरे हुजूर का सदका है, दरियाओं की रवानी मेरे हुजूर का सदका है, इसी तरह आप देखते चले जाए कायनात का जर्रा जर्रा मेरे हुजूर का सदका है। अर्ज करना चाहूंगा आदम है मेरे हुजूर का सदका है, नूह है मेरे हुजूर का सदका है, इस्माइल है मेरे हुजूर का सदका है, इब्राहिम है मेरे हुजूर का सदका है, अबू बकर है मेरे हुजूर का सदका है, उमर उस्मान अली हसन मेरे हुजूर का सदका है, और इमाम हुसैन है मेरे हुजूर का सदका। सब मेरे हुजूर का सदका, ये सब मेरे आका का सदका, कायनात का सर्रा सर्रा मेरे हुजूर का। तो हजरात, ये जो उलमा है ये भी हुजूर का सदका है। सरों पर जो टोपियां नजर आ रही ना, ये भी हुजूर का सदका। अरे यार, एक खड़कवाली को कौन जानता था, लेकिन हुजूर का बेटा हिंदुस्तान में आया और पूरे हिंदुस्तान में हर शहर में हर गली में मस्जिदें नजर आ रही हैं, मेरे हुजूर का सदका, कायनात का सर्रा जर्रा मेरे आका का है कि नहीं? बोलो वापस से, बोलो जरा तड़प कर बोलो, सुभान अल्लाह। सब मेरे मुस्तफा का है, मुस्तफा का है, क्योंकि उनके जैसा कोई है ही नहीं, उनके जैसा कोई है ही नहीं। मुझे जो है ना बहुत सारे मौजू पर रोक दिया गया है, इसलिए बहुत एहतियात से बोलूंगा। हजरत अहले सुन्नत, उनके जैसा कोई है ही नहीं। शायद कहता है कि मुस्तफा आपके जैसा कोई आया ही नहीं, अरे आका भी कैसे जब अल्लाह ने बनाया ही नहीं, कोई इंसानी है ना रब का ना मेरे आका का, एक का जिस्म नहीं एक का साया ही नहीं। हजरत अहले सुन्नत, ये मेरे आका की तरह कोई नहीं, और जब आका की तरह कोई नहीं है, जब हुजूर की तरह कोई नहीं है, तो हजरत मैं अर्ज करना चाहूंगा कि फिर हुजूर से निस्बत रखने वाली जितनी चीजें हैं
उनकी तरह भी कोई नहीं, जो हुजूर से निस्बत रखते हो उनकी तरह भी कोई नहीं है। मिसाल के तौर पर हुजूर से निस्बत रखने वालों को देख लो, तो मैं अर्ज करना चाहूंगा कि हुजूर की तरह अगर कोई नहीं तो हुजूर सरवरे कायनात के घर की तरह किसी का घर नहीं हो सकता। हुजूर सरवरे कायनात की माँ की तरह किसी की माँ नहीं हो सकती। हुजूर सरवरे कायनात की औलाद की तरह किसी की औलाद नहीं हो सकती। हुजूर सरवरे कायनात की औलाद की तरह किसी की औलाद नहीं हो सकती। तो बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, जिसका जलसा सजाया है ना, ये कोई और नहीं है, रसूलुल्लाह का बेटा है। और ये मैं नहीं कहता बल्कि खुद मेरे आका ने फरमाया, मेरे मुस्तफा फरमाते हैं कि मेरा हुसैन नौजवाना ने जन्नत का सरदार है। मेरे आका फरमाते हैं मेरा हुसैन जन्नती फूलों में से फूल है। मेरे आका फरमाते हैं मेरा हुसैन मेरा बेटा है, मेरे जिगर का टुकड़ा है। हजरत अहले सुन्नत और मेरे सरकार फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम अंबियाए किराम की जो नस्लें हैं वो उनकी पुश्त में उनके बेटों को रखा, लेकिन मेरी नस्ल तो अली मुर्तजा की पुश्त में रख दिया। अब कयामत तक अली के जो बेटे हैं वही मेरे बेटे होंगे। तो बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, कहना चाहूंगा कि हुसैन के जितने बेटे हैं वो सब हुजूर के बेटे हैं। हुसैन के जितने बेटे हैं वो सब हुजूर के बेटे हैं। हजरत अहले सुन्नत, वो चाहे हिंदुस्तान का ख्वाजा हो वो भी हुजूर ही का बेटा है, चाहे वो गौसे पाक हो वो भी हुजूर के बेटे हैं। हजरत में अर्ज करना चाह रहा था कि मेरे आका सरवरे कायनात से सहाबा इकराम मेरे आका की बारगाह में पहुंचे। बोलो ना, जो मर गया वो ना बोले, जो जिंदा वो बोले, क्योंकि जिंदा लोगों का जलसा है, हुसैनियों का जलसा है, तो यहाँ मरने वालों का कोई काम नहीं, जिंदा वालों का काम है। जो जिंदा हो बोले, बस वही बोले। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, जलसा किसका है? इमाम हुसैन का जलसा है। यार मुझे नहीं लगता कि इमाम हुसैन से ज्यादा जज्बाती नाम पूरी तारीख में आपको कहीं नजर आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल हक है, हाँ, कहीं भी नहीं, पूरी तारीख में इमाम हुसैन से ज्यादा जज्बाती नाम कोई भी नहीं है, चाहे वो मुसलमानों में हो चाहे वो गैर मुस्लिमों में, कहीं भी देख ले इमाम हुसैन से ज्यादा जज्बाती नाम कहीं नजर नहीं आता। यार अपने तो अपने बेगानों की जबानों से निकल गया था, अपने तो अपने हैं बेगानों की जबानों से निकल गया था। हिंदुस्तान का जो राष्ट्रपिता कहलाता है, जिसको लोग गांधी जी कहते हैं, वो गांधी जी भी कह रहे थे तो यूं कह रहे थे कि अगर हुसैन की फौज की तरह मेरे पास लोग मौजूद होते तो पहाड़ा खंडों के अंदर इस हिंदुस्तान से अंग्रेजों को खाली कर ले। नारे कहा था कि दुनिया हुसैन की है, जमाना हुसैन का। तब कर जरा मचल कर बोले, दुनिया हुसैन की है, जमाना हुसैन का। नबियों का ताजदार है नाना हुसैन का। अरे बस एक पल की थी यजीद की हुकूमत, सदिया हुसैन की है, जमाना हुसैन का। अपने भी हुसैन के, बेगाने भी हुसैन के। और किसी ने बड़ी प्यारी बात कही थी कि इंसान को बेदार तो हो देने दो, फिर हर कौम पुकारेगी हमारे है हुसैन। तो बेदारी तो आने दो, लेकिन बेदारी हमारी कौम में बाकी नहीं रहेगी तो दूसरी कौम में कहां से आएगी? बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, बेदारी आने की जरूरत है। बेदारी कब आएगी आपके पास में? जब आप उलमा के करीब होंगे। बेदारी कब आएगी आपके पास में? जब आप अइम्मा के करीब होंगे। बेदारी कब आएगी आपके पास में? जब आप मस्जिदों के करीब होंगे। बेदारी कब आएगी आपके पास में? जब अल्लाह के रसूल सरवरे कायनात पर नाजिल होने वाले कुरान पढ़ने वाले वो कारी जो तुम्हारी मस्जिदों में मौजूद है उनके करीब होंगे, वो तुम्हें मुस्तफा का फरमान सुनाएंगे, तुम्हारा दिल रोशन हो जाएगा और इस रोशनी में इमाम हुसैन जगमगाएंगे। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, मैं अर्ज ये कर रहा था कि जलसा, बोलो ना यार। अच्छा एक बात पहले मैं बता दूं आपको, मुझे ना गुंगों में बोलने की आदत नहीं है ना, और अगर आप गुंगापन दिखाएंगे और गुंगे होकर के बैठेंगे तो फिर मैं मुझे वैसे बोलना भी आता है, तो फिर मैं उस तरह बोलूंगा और फिर आप समझ नहीं पाएंगे तो मामला जमेगा नहीं। मेरा इरादा ये, इधर से मैं बोलूं उधर से आप बोलें, इधर से मैं बोलूं उधर से आप बोलें, आवाज तो निकलनी चाहिए। अरे यार आखिर खाते उसी दर का है, पीते उसी दर का है। मुफ्ती आजम कहते हैं खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का,
पानी है तेरा भरी, दाना है तेरा दाना। तो यार उसी दर का खाते हैं और उसी दर की बात करते हैं, किसी और की बात भी नहीं करते हैं। मेरे रजा आपके रजा इमाम अहमद रजा बहुत पहले कह चुके थे कि करूं मध अहले दुवल रजा, बड़े इस बना में मेरी बना, मैं गदा हूं अपने करीब का, मेरा दीन पा रहे ना नहीं। और कहते हुए नजर आए थे कि करूं तेरे नाम पर जा फिदा, ना बस एक जा तो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, तो हम तो हुजूर की नाम उस पर मर मिटने वाले हैं। और हजरत ये महफिल ये जलसा किसी ऐरे गैरे नक्तु खैरे का होता तो लोग खामोश रहते, बात समझ में आती, लेकिन ये तो उसका जलसा है जिसके घर में रहने वाला 6 महीने का बच्चा अगर एरिया न कर दे तो 1400 बरस बाद भी उसके नाम के टंग के बच्चे में नजर आते। अल्लाह क्या बात, तो उनका जलसा उनके जलसे में अगर हम खामोश रहे ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो, इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। और हजरत मैं अर्ज करना चाहूंगा, इधर वाले भी बोले, और मैं अर्ज करना चाहूंगा स्टेज वाले भी बोले, हजरत आप जब बोल रहे हैं ना तो यार मेरे लिए मत बोलो, यार अशफाक बोल रहा है उसकी औकात क्या है, अरे अशफाक बोले उसकी औकात क्या है, अरे जिक्र किसका हो रहा है, मुस्तफा के नवासे का जिक्र किया जा रहा है, तो फिर उसके नाम पर बोले मोहब्बत से। तो बिरादरान मिल्लत इस्लामिया अर्ज ये कर रहा था कि जलसा मेरे हुसैन का है, बोलो, अरे अपने तो अपने बेगाने फिदा है यार, बेगाने फिदा है। मैं बहुत सारी चीजों में जुड़ा हुआ, उन्हें तो बहुत सारी बातें बताता अर्ज कर रहा हूँ। हजरत अहले सुन्नत मेरे मिजाज में इस तरह का मामला है कि मैं चलता चला जाऊँ, जो हुसैन देते चले जाए वो देता चला जाऊँ। हजरत अहले सुन्नत यहाँ सोच कर तकरीर होती ही नहीं है, कभी आज तक सोच कर बोला ही नहीं है, घर से निकलता हूँ कुछ और सोच कर, आकर बैठता हूँ हुसैन जो दे देते वही देता चला जाता हूँ, मेरे आका जो देते वही देता चला जाता हूँ। तो बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, लेकिन क्योंकि बड़ों का हुक्म मानना भी जरूरी होता है, बड़ों का हुक्म मानना भी बिल्कुल जरूरी होता है, और क्योंकि ये लोग हमारे बड़े हैं, अब आपके हजरत हमारे बड़े, ये हजरत मेहमान हैं, मेजबान हैं हमारे, उस एतबार से ये भी हमारे बड़े। और हजरत ये जो सना खान मुस्तफ़ा है ये भी हमारे बड़े हजरत, इस एतबार से नहीं कि मतलब जो है तो ये उम्र के एतबार से ना, उम्र के एतबार से तो मैं बड़ा हूँ, लेकिन हजरत अहले सुन्नत मैं ही समझता हूँ कि यार हश्र का मैदान होगा, हश्र का मैदान होगा, और हजरत जब इन गुलामों को उलमा को बुलाया जाएगा, ए समीर आजा, जब बुलाया जाएगा आजा आजा, तो हजरत अहले सुन्नत आगे आगे होंगे, फिर बुलाया जाएगा अबरार तू भी आजा, तो ये भी आगे आगे होंगे, फिर बुलाया जाएगा इमरान तू भी आजा, फिर ये भी आगे आगे होंगे, फिर सना खान मुस्तफ़ा को बुलाया जाएगा, अब्दुल रशीद तू भी आजा, मुजस्सम रजा तू भी आजा, ये भी आगे आगे होंगे, तो मैं इनका दामन पकड़ दूंगा, कहूँगा कहाँ जा रहे हो, मुझे भी साथ लेकर के चलो, मुझे भी साथ लेकर के चलो।